एनएसवी में छात्रों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, उसी के परिणाम में आज राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंदर राजस्थान प्रांगण में एनएसवी स्थापना दिवस मनाने का इनको अवसर मिला। मुझे खुशी है कि देव अमित ने जो राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एक पहल प्रोग्राम शुरू किया है, ये भी बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम है जो पूरे राजस्थान भर के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप आईएएस की आरएएस की सीईटी की सबकी कोचिंग क्लासेज प्रारंभ करने का जो निश्चय किया है उसमें आप सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि काम शुरू करना एक बात है पर उसे निभाना बड़ी चुनौती होती है। मुझे उम्मीद है कि एनएसवी के अध्यक्ष जी और इनके तमाम पदाधिकारी जो आपके हैं और महेश जोशी जैसे जो नेता हैं जो खुद अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं एनएसवी से, इन सबके सहयोग से ये जो है देव अमित की पहल जो है वो पूरी तरह कामयाब होगी। हम सबका सहयोग इनके साथ रहेगा। इसी जरूरत भी है, आपको यह मालूम होगा कि हमारी सरकार ने अभी बजट पेश किया मैंने, तो अनुपति योजना के अंतर्गत ऐसे निर्धन छात्र जो कोचिंग क्लासेज की फीस दे नहीं सकते हैं उन सबको हमने 30,000, पहले 15,000 थे, इस बार हमने 30,000 छात्रों को फ्री कोचिंग करवाने का निर्णय किया है। इस प्रकार से आज कोचिंग का जब जमाना आ गया प्रतिस्पर्धा का, तो सरकार भी और हमारी जो संस्थाएँ भी और देव अमित जैसे लोग भी आगे आएंगे, तब जाकर के मैं समझता हूँ हर विद्यार्थी को एक विश्वास रहेगा कि मैं कोई पैसे वाला है, अमीर लोग हैं व्यक्ति हैं, उसके बावजूद मुझे अवसर मिल रहा है कोचिंग लेने का भी अच्छी संस्थाओं में।